क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अद्यतन अपराधी मानसिकता वाले हो गए हैं। जातीय जनगणना के आड़ में पूरे समाज में नफरत फैलाए जाने के उद्देश्य से जातीय जनगणना कराई जा रही थी, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी गई है और इससे सीएम नीतीश की जातीय जनगणना कराए जाने की नियति भी जग जाहिर हो गई है। सहरसा में एक पुराने केस के मामले में कोर्ट पहुंचे जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने आनंद मोहन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां गृह मंत्री आनंद मोहन के बाहर आने का विरोध कर रहे हैं, तो वही बीजेपी के ही मंत्री गिरिराज सिंह उनके बाहर निकलने का समर्थन भी कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नेता आनंद मोहन के बाहर आने का समर्थन भी खुलेआम कर चुके हैं। बोल लिए देते कानून बतलिया नहीं सुन रहा अच्छा हमको तो समझ में नहीं आता है। सुब बाजे तो बाजे, चलनी बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। जाने जो जाने जत्ता उसमें ना हम 13 में ना 3 में। आनंद मोहन जी का केस कुछ है, हमसे बार बार आप लोग पूछ देते हैं, अब शुरू कर देते हैं फालतू बात। तो मैं कोई भी आज तक बेबाकी से ही अपनी कोई बात कहा हूँ। मेरी जितनी समझ है कानून के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। पहली बात तो मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि मुंह से बोलता है कि किसी और चीज़ से बोलता है, हमको पता नहीं। खबर मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्टेशन में कई झोपड़ियों में आग लग गई है, जिसमें झुलसकर 4 बच्चों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। वही पीड़ित परिवार से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और पीड़ित परिवार को 10,000 की आर्थिक मदद की है। वही पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ के सरकारी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही कहा कि जिन बच्चों का इलाज चल रहा है उसको हर हाल में बचाने का प्रयास किया जाएगा। पांच बच्ची का देहांत हो जाना, एक ही माँ के पांच, चार और दूसरे भाई, पांच दूसरे भाई का सब, और जो लोग अस्पताल में है जिनकी मौत से जुड़ रहे। और मुझको लगता है कि हायर सेंटर की जरूरत थी इस बच्चे हुए लोगों को। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि पटना के किसी हायर सेंटर हो। तीनों भाई का बच्चा सब सीरियस है। और मुझको लगता है कि केयरिंग की जरूरत है जो सरकार की तरफ से नहीं मिल पा। तो वही भागलपुर में नकली कस्टम इंस्पेक्टर बन केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग बम सिंह और उसके सहयोगी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने थाने में नकली कस्टम इंस्पेक्टर बने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि ऑक्शन की गाड़ी उपलब्ध कराने के लिए ठग गिरोह ने उनसे पैसे की ठगी की थी और फरार हो गए थे।
एक FIR दर्ज हुआ था सजौर थाने में, अर्जित शाश्वत जो माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराया था कि उनके उनके खिलाफ धोखाधड़ी हुई है 8,29,200 रुपये की। और एक कांड जो सजौर थाना में 29-23 दर्ज हुआ था, इसकी इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था और फिर बाद में अभियुक्त लोग का पता चला तो ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह का एक मेंबर है, अंदर राजी ठग है बम सिंह, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ दो अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम है सुरेश। राजद के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया है, वही टिप्पणी के बाद से भी उनकी सियासत गर्मा गई है। यदुवंश कुमार यादव ने साफ तौर पर कहा था कि एक भी ब्राह्मण भारत देश के नहीं है, सभी ब्राह्मण रूस से भागकर भारत आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण हम सभी के बीच फूट डालने का काम करते हैं, जिसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्राह्मणों की गरिमा के खिलाफ ना बोले वरना अच्छा नहीं होगा। बता दें कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निरीक्षण करने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस टिप्पणी पर आग बबूला होकर कहा कि ऐसी आपत्तिजनक बातें ब्राह्मणों की गरिमा के खिलाफ हैं। के गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया, जबकि देश और दुनिया ने तमाम संतों ने तमाम आचार्यों ने इसको पूरी तरह से गलत ठहराया कि किस प्रकार से रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, रामायण का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस रामचरितमानस पर आज लाखों करोड़ों लोग हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, राम केवल एक जाति धर्म का नहीं संपूर्ण मानव के कह सकते हैं मानव के लिए रामचरितमानस। वहीं बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इस पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आखिर है कौन, मैं नफरत फैलाने वाले बाबा को नहीं जानता हूँ, मैं उस देश के किसान को जानता हूँ, भाईचारा स्थापित करने वालों को जनता, नौकरी देने वालों को जानता हूँ। भगवान बुद्ध की पवित्र धरती है, हम भगवान बुद्ध को जानते हैं, बाबा कौन है मुझे नहीं पता है। मैं पहले भी कहा हम जिस धरती पे जन्म लिए हैं मैं तो भगवान बुद्ध को जानता हूँ, और क्यों जानता हूँ भगवान बुद्ध को, यही तो है जो दुनिया को बताया कि सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, इनको छोड़ करके मैं किसको पूजूं। आपके सरकार में मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, कौन क्या है सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि भगवान बुद्ध की यह शांति और संदेश सबको पूरे देश और दुनिया में प्रचारित करना चाहिए। औरंगाबाद में बीजेपी सांसद के सामने तीन अपराधी एक महिला से चैन खींचकर भागने लगे, जिसके बाद सांसद ने उनका पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। इस दौरान अपराधियों ने उन्हें बंदूक से डराया, लेकिन उन्होंने अपराधियों का निडरता से सामना किया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपराधियों को उनके पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जो चेन है वो छीनी गई, तभी वारुण थाना गश्ती जो है उसी क्रम वहीं से गुजर रही थी, गुजरने के क्रम में उन्होंने तीनों अभियुक्तों का पीछा किया। उसी समय वहां से माननीय सांसद महोदय औरंगाबाद सासाराम से वापस लौट रहे थे, उनके अंगरक्षकों के द्वारा भी थाना गश्ती को सहयोग करके तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त वीरू यादव, आनंद कुमार, टीटू कुमार तीनों रोहतास जिला के रहने वाले हैं, इनका आपराधिक इतिहास भी है, और साथ ही इनके पास से एक 9mm देसी पिस्टल, एक देसी। नालंदा के सरमेरा थाना के चूहर चौक गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक पर सवार तीन युवकों की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस तीनों को अस्पताल लाई है, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। मृतकों की पहचान सरमेरा के सदहा गांव निवासी राहुल कुमार, मुरारी कुमार और जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि मृतक के परिवारों को घटना की सूचना दे दी गई है, फिलहाल ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक फरार हो गया है।
था सर मेरा जी। सर और कुछ नहीं करना चाहिए? ना ना ठीक है। जानकारी के रोड हादसा है। कैसे की बोले? एक्सीडेंट हो गया, सभी जान रहे हैं कि रोड हादसा हुआ है। कैसे? मोटरसाइकिल से। कौन गाड़ी मारा? ये जी नहीं पता। मौत कितना हुआ है? हैं? मौत क्या जी? चार लोग को मौत। तीन लोग जी, तीन लोग। ये चल रहे पता है तीनों एक ही घर के, एक ही गांव के हैं। एक ही गांव के हैं। ये सब क्या चीज से जा रहे थे जो एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल से जा रहे थे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो सुपौल में एक महिला ने अपने ही बड़े बेटे के खिलाफ जबरदस्ती कब्जा और मारपीट करने को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। वही महिला ने बताया कि उसका पति काफी दिनों से बीमार चल रहा है, जिसके इलाज के लिए उसने अपनी जमीन बेचने को कहा तो उसके बड़े बेटे ने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा ही कर लिया और उसे मारपीट कर भगा दिया, जिसके बाद दोनों ने थाने में आवेदन किया लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जमीन बेचने में ये है कि मेरे बड़े भाई सोनू कुमार भगत और उनकी पत्नी रूपम देवी जो है, ये दोनों मिलके चाहती है ये ज़मीन नहीं बिके। ये ज़मीन मैं पूरा अपना हकदार, अपना मालिकाना हक जमाऊं। और वो कुछ मतलब गलत प्रवृत्ति के इंसान है, पूर्व में भी उन पे केस चल रहा है। ये चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आपका ज़मीन है और वो बेचना, आपकी भाभी नहीं देती बेचने के लिए, भाभी और भाई, क्या आपने इसका शिकायत वहाँ के नज़दीकी थाना प्रभारी को दिया? मैंने थाना प्रभारी को 7 आवेदन दिया था, रजनीश कुमार केसरी को और SP साहब को भी मैंने आवेदन दिया था। बाजार पे आपका जो जमीन है वो कितना जमीन है? 10 दूर होगा। 10 दूर जमीन होगा। आप जमीन क्यों बेचने के लिए चाह रहे हैं? दोनों बेटा नहीं खर्चा देता है, इलाज में खर्चा नहीं, इलाज में खर्चा नहीं देता है। कब से बीमार चल रहा है आपका पति? बीमार 3-4 साल से होता है। 3-4 साल से चल रहा है। और आपको और मतलब जमीन टोटल कितना आपके पास है? 10 दूर है। 10 दूर है, तो 10 दूर जमीन है, 2 गो बेटा है, तो आप क्यों मतलब इस जमीन को काहे ले बेच रहे हैं? तो मैं दोनों बेटा नहीं खर्चा देता है, तो हम पति को कैसे इलाज करेंगे? हम तो वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने नालंदा के रामचंद्रपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने मीडिया के सवालों पर कहा कि जो समाज में सौहार्द, आपसी भाईचारे और नैतिकता को खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार को लेकर दिए गए मेमोरी लॉस के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी फिलहाल राजनीति में एक बच्चे हैं, अब इस सम्राट चौधरी को राजनीति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। चाहते हैं
उसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम भी अगर गलत काम कर रहे हैं, अगर हम भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो इस तरह के किल करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मंदिर वाले हों, चाहे मस्जिद वाले हों, चाहे गिरजाघर वाले दोर हों, चाहे गुरुद्वारा वाले लोग हों। जो समाज में तनाव पैदा करते हैं, समाज में अनैतिकता पैदा करते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मोतिहारी में दो अलग अलग जगहों पर बेखौफ अपराधियों ने दो लोगों की निर्मम हत्या कर दी। वहीं डबल मर्डर से जिले में सनसनी फैल गई पहली घटना इजोर बारा गांव में घटित हुई है, जहां घटना में स्कॉर्पियो पर करीब 20 राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई है। गोलीबारी में एक बिजली के ठेकेदार की मौत हो गई है, वहीं मृतक की पहचान भी कर ली गई है। तो वहीं दूसरी घटना में युवक को रंगपुर बाजार के पास गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों ही घटना की जांच में लगातार जुटी हुई है। भादलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज की मांग करने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 6 महीने पहले मोहम्मद शाहिद अली से मुस्लिम धर्म रीति रिवाज से की गई थी। वहीं शादी के समय 50,000 की नकदी, गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अन्य जेवरात भी दिए गए थे, लेकिन 8 से 10 दिन के बाद उनके पति 2 लाख की और मांग कर रहे हैं। क्या घटना घटा आपके साथ? हमारे साथ ये 23 तारीख को घटा है, मारपीट हमारे साथ किया। कौन किया मारपीट? शाहिद अली। कौन है शाहिद? हमारा पति। क्यों मारपीट किया? पता, ये 2 लाख रुपया मांगना चाहता है, बोलता है हम अपने माँ घर से 2 लाख रुपया लेकर आओ, तब तुमको घर में रहने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसकी सब घर में सब बोलने लगा था। कितना दिन पहले आपका? हमारा जूही नाम है। घर? घर को 1 नंबर वार्ड पठनपुरा। क्या हुआ आपका बेटी के साथ? बेटी हम 2022 में हमने 4 दिसंबर को शादी की है। जो हमने कहाँ शादी किया था? कहा कुदर जन्ना में किए थे। ठीक। मिश्रापिल के लड़का से मोहम्मद शाहिद से, और उसका जो भाई है बड़ा कॉन्स्टेबल पुलिस में है, वो अपने भाई को सिखाया कि अपनी बीवी से बोलो कि 2 लाख। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पकरा गांव में मक्के की फसल की तैयारी करने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है, जबकि एक घायल भी है। मृतक लक्ष्मीपुर पकरा का निवासी है। घायल युवक का इलाज निजी अस्पताल में लगातार किया जा रहा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के तुरंत बाद किसान को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया है। दौनी करेल गेल रहे पकड़ा। कै बजे घटना होते ये या अभी जे ठनका जे गिरले 1 बजे या 2:30 बजे कोई आरो आदमी रे साथ में? आरो आदमी हमनी सब रे संग में। अच्छा, घायल होल कोई? एगो आरो घायल होल जे से प्राइवेट की नाम रे पूरा पूरा मिथुन में ओकरो घर ओकरो लक्ष्मीपुर पकड़ा। अच्छा, जे मरले ओकरो घर? एकरो घर यो लक्ष्मीपुर पकड़ा है। की नाम है? तारनी मंडल। तोरा नाम? हमरा नाम भागीरथ मंडल। खबर चंपारण के बेतिया से है, जहां के नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड में साठी स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, जिसकी सूचना साठी स्टेशन अधीक्षक के द्वारा जीआरपीएफ और आरपीएफ को दी गई है। सूचना पर आरपीएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जबकि मौके पर शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है। रोहतास के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सोन नहर में मछली मार रहे कुछ लोगों को रुपयों के बंडल मिले हैं। नहर में रुपयों से भरा बंडल देख लोगों की अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। देखते ही देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद आसपास के लोग भी नहर में उतरकर नोटों की गड्डियां खोजने लगे। नहर में असली नोट कहां से आए, फिलहाल ये पहेली बनी हुई है। पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों से बात की। स्थानीय लोगों का कहना है कि 100 से 500 रुपए के नोटों की कई गड्डियां मिली हैं। रोहतास जिला के सासाराम नहर में
नोटों का मिलना ये चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें कि कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें दिख रहे हैं कि पब्लिक नहर से नोटों की गड्डी को निकाल रहे हैं और उसकी वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि 500, 200 और 100 का नोट उसमें बताया जा रहा है। इस तरह का वायरल वीडियो जो हो जाना ये शहर का, जिले का एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ये नोट आखिर कहां से आए, कैसे आए और क्यों किया गया, इस पर चर्चा बनी हुई है। लेकिन इस जब सूचना की जब प्रशासनिक पुष्टि की जाए तो अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है और वहां के जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उससे इस जानकारी देने से भागते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है नोटों की गड्डी का, ये कहां से आया, अब इसकी छानबीन पुलिस प्रशासन ही कर सकती है। कैमरामैन अमरेश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।